हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ सीटेट और यूपीटेट की मैथमेटिक्स। देखिए, पिछली क्लास में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी मैथ लास्ट पीरियड फिनिश होने वाली है। इसके बाद आपके तीन लेक्चर बचे हुए हैं, जिसमें कि एक है प्रॉफिट लॉस का और दो लेक्चर होंगे आपके जो आपने वैल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है या परिमाप निकालना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो दो लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो तीन लेक्चर आपके और बचे हुए हैं इसके बाद, इस लेक्चर के बाद। और ये आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बेस्ड है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं फाइंड करना होता है इनमें से कौन सा गलत है। चार ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से एक गलत निकालना होता है, या कई बार बोलता है इनमें से तीन ऑप्शन गलत है एक सही है। तो हर साल एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस पर, और उन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या पूछा जा रहा है कि यूनिट दे दी जा रही है, किलोग्राम, मिलीलीटर, डेसीमीटर, करोड़, लॉग, सेंटीमीटर, कोई भी क्वेश्चन दे दे रहा जो मोस्टली क्या बेस्ड है, किसमें यूनिट पर बेस्ड है। तो आज के क्वेश्चन पर सारी यूनिट आप सीख जाएंगे किसी भी तरीके। वैसे कि यूनिट का ऑलरेडी हमने आपकी नोट्स बनवा दी है, फिर भी आप एक बार फिर से बना ले अगर आपको याद नहीं है, और जितना आप लिखेंगे तो उतना याद होगा। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्पेसिफिक इसी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें फाइंड करना है कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा सत्य है, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताया करें। आपसे कई बार हम क्वेश्चन पूछा करते हैं और आप कमेंट में आंसर नहीं देते, अगर आप सिंसियर है तो कमेंट में जरूर बताएं। सिर्फ वीडियो सो सो के मत देखा करें लेटे लेटे, समय ठंडी है पता है, रजाई के अंदर देख रहे होंगे, बट ऐसा मत करें। पेपर नज़दीक है, 15 दिन बाकी है, तो आप मेहनत से पढ़ें, कॉपी से। मैथ कर रहे हैं तो कॉपी तो मस्ट है, मैथ के आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं पेन चलाते रहा करिए, तभी आपकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, 20 दिन भी नहीं बचे अब तो गिने चुने, देखा जाए 31 को आपका पेपर है, तो मेहनत से पढ़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन में, सही नहीं है या कौन सा सही है, पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। अगर आप गलती से गलत पढ़ दिए ना तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो अभी फिलहाल पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब तीन यहाँ पर सही दिए हुए हैं और एक गलत है, इसका मतलब तीन सही, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और उनकी सब आप नोट्स बना लीजिएगा। तो पहला देखिए, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, तो पहली लाइन पर एक वर्ड आता है शतांश। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, शतांश क्या होता है, शतांश। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये एक वर्ड आपको बताएंगे, उसके बाद आप अपने आप बता देंगे ये क्या है। जब आपको चौथा भाग निकालना होता है, हिंदी में 1/4 बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है चतुर्थांश। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, इसी तरह पंचांश होता होगा, सप्तांश होता है 7 को बोल दिया, दशांश होता है 10 को बोल देते हैं, शतांश होता है सवां भाग। अगर सवां भाग निकालना, चतुर्थांश मतलब जैसे हमने बोला क्या 1/4, तो ऐसे ही अगर शतांश बोल देंगे इसका मतलब क्या हुआ, 1/100, ये होता है शतांश का मतलब। यानी अगर किसी चीज को 100 से भाग देंगे तो उसका शतांश बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है शतांश मतलब, इसको नोट कर लीजिए, शतांश बड़ा अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो ये कई बार यूज हुआ है, अभी देखिएगा इसी पे आज के लेक्चर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में लगातार शतांश से ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सवा भाग यानी 100 से भाग दे देंगे किसी चीज को। मान लीजिए आप अगर आपसे हमने पूछ लिया 26 का शतांश बताएं, तो 100 से इसको भाग दीजिए तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो पीछे नहीं, 0.26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.26 हो जाएगा, ये उसका शतांश हो जाएगा। अगर पूछते हैं आप जो 2 का शतांश बताइए, 200 का शतांश बताइए, तो 200 से डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बोल दे 1000 का मतलब शतांश बताना है तो 100 से डिवाइड कर देना है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, तो 1 लीटर बनाइए सबसे पहले, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, लास्ट क्लास में ही बताया है हमने आपको, स्पेसिफिकली लीटर की क्लास ली थी, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, और इसका शतांश बनाना है तो इसमें 100 से भाग दे दीजिए, तो कितना बच गया, 10 आ गया, 10 मिलीलीटर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, नहीं गलत है, बोला होता 10 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है तो सही हो जाता। ठीक है, 10 मिलीलीटर आएगा ना शतांश, 1 लीटर का शतांश कितना आया, 10 मिलीलीटर ना कि 1, तो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन हम यहाँ से क्वेश्चन खत्म नहीं करेंगे, हम नीचे भी जानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं, नोट्स भी बनाते रहे अभी, इसीलिए हमने बोला इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। ठीक है, बहुत नोट्स मिलेंगे आज, तो एक पहली नोट्स ये मिल गई। फिर देखिए, 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो सबसे पहले 1 लाख लिख लेते हैं, और 100,000 की बात भी हम आपको बता चुके हैं दूसरे लेक्चर में, जहां हम इकाई दहाई आपको पढ़ाए थे, जब पढ़ाए थे 10 दहाई 20 दहाई ये सब पढ़ा रहे थे। तो देखिए 1 लाख लिखिए पहले, ये होता है 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10000 लाख, 5 जीरो का मतलब होता है 1 लाख। बोला है 100,000, देखिए 100 और 1000, 1000 का मतलब क्या होता है 3 जीरो, 1000 कैसे लिखते हैं आप ऐसे,
तीन जीरो लगाते हैं ना 1000, तो एक की जगह क्या बोला 100,000, तो बिल्कुल सही है। 1 लाख बराबर है कितने 100,000 के, बिल्कुल सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। वैसे आप इसको अंदाजे से बता सकते हैं 1 करोड़ 100 लाख के होता है भाई, 1 लाख के बाद 10 लाख आता है, 10 लाख के बाद 100 लाख आता है, 100 लाख को ही बोल 100 लाख को ही बोल देते हैं क्या 1 करोड़, तो यही होता है 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह लिख भी लीजिएगा तब भी वही बनेगा, जनरली भी आपको पता है भाई ऐसे ही होता है। ऐसे ऊपर वाला भी कर सकते हैं, 1000 होता है, 1000 के बाद 10000 आता है, 10000 के बाद क्या आता है 100000, और 100000 को हम 100000 ना बोलकर क्या बोल देते हैं 1 लाख बोल देते हैं, तो वही दूसरा वाला था। तीसरा भी हो गया आपका, चौथे में चलते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, तो चलिए पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। ये चीज हम आपको पहले लिखा चुके हैं, कन्वर्जन नहीं लिखा था, यहां पर भी पढ़ते जाइए, क्वेश्चन वाइज कराएंगे, सारे नहीं कराएंगे। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये हम आपको बता चुके हैं। अब 100 सेंटीमीटर का हमको क्या निकालना है, शतांश। शतांश निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो यही तो बोला है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, बिल्कुल सही है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। यानी कि नीचे के तीनों सही है, ऊपर का गलत था, वो तो हमने पहले निकाल के बता दिया। वहां पर बोला था 10 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, तो सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था ये चीज हमने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कथन में से कौन सही नहीं है। देखिए नहीं के नीचे अंडरलाइन भी लगा हुआ है, नहीं बताना है, ठीक है, नहीं यहां पर भी 3 सही होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 1 शतांश है, गलती हो गया, जैसे मिलीलीटर होता है वैसे ग्राम किलोग्राम होता है, लास्ट क्लास में बताया। चलिए निकाल के देखते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम का शतांश निकालना है तो 100 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 10 ग्राम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 1 ग्राम 1 किलोग्राम शतांश है ना, बोला होता 10 ग्राम 1 किलोग्राम शतांश है तो सही होता, तो पहला ही गलत हो गया और यही आपका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। नीचे भी चेक कर लेते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए क्या बोला है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है। देखिए दशांश भी वर्ड यूज हो गया, हम बोले थे ना शतांश होता है मतलब कि शतांश मतलब कि 1/100, और दशांश ये होता है 1/10, यानी 10 से भाग देना है। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या बोला है 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीलीटर मिलीमीटर, आपकी पटरी होती है 1 सेंटीमीटर, उसके अंदर 10 mm बने होते हैं, mm मिलीमीटर, तो उसी को बोलते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, दशांश यानी 10 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 mm आ जाएगा, तो यही तो बोला है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड देखते हैं, 1 लाख बराबर 100,000 के, दोबारा रिपीट हो गया, अभी अभी पढ़ाया हमने पिछले क्वेश्चन में, 100,000 10,000 फिर 100,000 यानी कि 1 लाख सही है। 1 करोड़ का शतांश बराबर है 1 लाख के, बिल्कुल सही बात है, सेम मतलब पिछला क्वेश्चन का थोड़ा घुमा के बोला है भाई, 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़ होता है, अभी अभी पढ़ाया, तो 100 से जब डिवाइड कर देंगे, शतांश बोला है 100 से डिवाइड करिए 1 करोड़ को, तो कितना बनेगा 1 ही लाख बनेगा, तो ये भी सही हो गया चौथा भी, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें गलत था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ये देखिए जो इसमें ऑप्शन पहला इसमें क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें भी बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही है 1 गलत है, वही फाइंड करना है। अब जो ये पहला ऑप्शन दिया है, किसी घन का आयतन किसकी लंबाई ये सब दिया हुआ है, तो यही चीज हम क्या आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने, जो हमने बोला ना 3 लेक्चर बाकी है, तो 1 लेक्चर तो प्रॉफिट लॉस का हो जाएगा, इसमें पैसे वैसे की बात होगी, और 2 लेक्चर होने वाले इसी घनाप घन ये सब की बात होने वाली, तो इस पहले वाले ऑप्शन को छोड़िए, पहले नीचे से चल के आते हैं, पहले वाले के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पहले नीचे का ऑप्शन देखते हैं, 10 का शतांश 0.1, 10 का शतांश, 10 में 100 का भाग देना पड़ेगा शतांश निकालना है, तो 1 जीरो कट गया और 1 जीरो के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.1, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, 55 मिलीलीटर इक्वल टू होगा 55.55, क्या सही है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था क्या इसको कैसे लिखते हैं, 55 लीटर और 55 मिलीलीटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, या आप इसको इस तरह पहले लिखना आपको सिखाया था, 55 लीटर को मिलीलीटर बताया था और फिर क्या बोला था 55 मिलीलीटर बताया था, तो 55 मिलीलीटर, अरे गलत लिखा हुआ है पहला वाला, देखिए 55 मिलीलीटर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर इसको आप जोड़ेंगे तो 55.55 आएगा, यानी 55 लीटर और 55 मिलीलीटर को लिखा जाएगा 55.055, 1000 से भाग देते हैं, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, कि लिखा है 55.55 लीटर, बिल्कुल गलत है, 55.055 हो जाएगा अगर इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो यही वाला गलत हो गया, आपको यही फाइंड करना था, यानी पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नीचे भी देख लेते हैं, 2005 ग्राम इक्वल टू 2.005, बिल्कुल सही है, देखिए यही जीरो जहाँ जीरो लगा ग्राम में, देखिए बिल्कुल सही से 1000 से भाग दीजिए, देखिए क्या लिखा है 2005
और इसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, 3 जीरो शिफ्ट करेंगे 2.005। यही चीज इसमें भी किया था, 55,055 आ रहा था तो इसको क्या कर दिया, 3 जीरो शिफ्ट किया तो 55.0055 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है और यही आपको फाइंड करना था कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 1 बाद में सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में कोई जरूरत नहीं अभी करने की। ये देखिए ऑप्शन 1 इसमें भी चौथा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसमें भी गलत फाइंड करना है। तीन ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। तो इसमें भी पहला ऑप्शन क्या दे दिया है, लंबाई चौड़ाई का, तो इसको रोकते हैं, नीचे वाले पहले देखते हैं, अगर उनमें कुछ मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो उसको भी कर देंगे। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को 1.5 लिखा जाएगा, देखिए यही गलत हो गया। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 1 को कन्वर्ट कर लीजिए आपको ज्यादा मन है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 100 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105 सेंटीमीटर, और इसको जब वापस मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी 1.05 आ जाएगा, 1.05 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 1.5 मीटर, सेम लास्ट वाली क्वेश्चन की गलती, जो लीटर में किया वो यहाँ पर इन्होंने मीटर में कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा, यही हमको फाइंड करना था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमको करने की जरूरत फिलहाल अभी भी नहीं है। चलिए नीचे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तीसरा चौथा तो सॉल्व कर ही लेते हैं, पहला वाला छोड़ दे रहे हैं, अगली क्लास में कर लेंगे, बाकी तो कर लेते हैं अभी। तीसरा में क्या दिया है, 0.40 समान है 0.4 के, 0.40 इक्वल टू 0.4, देखिए बिल्कुल सही है, आप जीरो और बढ़ा लीजिए, 1 नहीं 5 जीरो लगा लीजिए, आगे लगाने पे जीरो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पीछे कुछ करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा इसके पीछे भी कुछ कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं, लेकिन हाँ यहाँ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर लिख देखता 0.40 क्या समान है 0.04 के, तो आप बोलते ना बिल्कुल नहीं समान है, लेकिन अभी क्या बोला है 0.40 इक्वल टू 0.4, बिल्कुल सही है भाई, आगे तो कुछ मतलब नहीं है लेकिन पीछे आप जीरो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ये गलत है, ठीक है, ऐसा आ जाए तो कह दीजिएगा हाँ गलत है। 3/4 रुपया बराबर है 75 पैसे के, 75 रुपया 0.75 पैसा, बिल्कुल सही है, आप अंदाजा भी बता सकते हैं रुपये पैसे की बात, तो भाई 1 रुपये होते हैं 100 पैसे होते हैं, और आधे पैसे में 50 पैसे, आधे रुपए में या 75 पैसे की बात कर रहा है 3/4, ये आपको 3/4 सिखा चुके हैं, इसकी एक प्रॉपर क्लास हो चुकी है, तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा जो कि है गलत, गलत ही फाइंड करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, एक बार फिर से कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला देखिए क्या लिखा है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का दशांश है, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है, अभी अभी किया, 1 सेंटीमीटर में क्या बोलते हैं 10 मिलीमीटर, और दशांश बोला है तो 10 से भाग दीजिए, क्या आ गया 1 mm आ गया, यही क्वेश्चन बोला है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम 12 ग्राम को 1.012 किलोग्राम, बिल्कुल सही लिखा है, देखिए लिख के भी देख लीजिए, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, और इसमें कितना जोड़ना है 12 ग्राम और जोड़ना है, 12 जोड़ दिया, देखिए क्या हो जाएगा 1012 आ जाएगा, और 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.012 ग्राम किलोग्राम, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला देखिए, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, लिख के देखिए जल्दी से देखिए क्या सही है कि गलत है। 10 मीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, 1000 सेंटीमीटर, और इसमें क्या बोलना है 10 सेंटीमीटर और जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लास्ट ऑप्शन देखिए, ये तो क्लियरली दूर से दिख रहा है गलत है, 23/100, भाई 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हटके क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 जीरो पीछे जाएगा 0.23 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2.3, पूरी तरह से गलत है, यही आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है, यानी कि आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, क्या लिखा हुआ है, 26/26 शतांश को लिखा जाएगा, अब नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए, चलिए पहले हम करते हैं उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे, 26/26 शतांश, तो जैसे ही हमने बोला 26/26 शतांश का मतलब क्या हुआ, 26 को 100 से भाग देना है, 26 को 100 से भाग देंगे, जैसे अभी 23 वाली बात अभी अभी की जस्ट पिछले क्वेश्चन में, क्या भाग देने पर क्या आएगा 2 जीरो, तो 2 यहां पर सक जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.26 हो जाएगा, बस 26 को 0.26 से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 26.26 बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही, 26/26 शतांश, बस इतना सा था, बाकी वो घुमा के लिखा है पॉइंट को इधर, इतना कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो पक्का गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका पूरी तरह सही है, 26.26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है बताना है एक बार फिर से, यानी कि 3 सही होंगे यहाँ पर, 2 किलोग्राम 30 ग्राम को लिखा जाएगा, 2
2030 बिल्कुल सही है, करके दिखा देते हैं एक बार फिर से आपको। देखिए 2 kg में क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ना है, 30 ग्राम जोड़ना है, 30 ग्राम जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, 2030 ग्राम। देखिए बिल्कुल सही है ना, यही लिखा है, बिल्कुल सही है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर को 380 मिलीलीटर लिखा जाएगा, यहीं पर गलत हो गया, यहीं खेल गया लीटर वाले में। चलिए करके दिखाते हैं कैसे गलत हो गया। 3 लीटर को क्या लिखा जाएगा, 3000 मिलीलीटर। उसके बाद क्या इसमें जोड़ना है, 80 मिलीलीटर जोड़ना है तो 80 जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, 3080। और इसको वापस लीटर बदलने के लिए 3 पॉइंट यानी 1000 से भाग देते हैं ना लीटर में लीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.080 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 380 बिल्कुल गलत है। अरे ये तो कन्वर्ट ही नहीं करना, यही पूछा था। 3 लीटर और 80 मिलीलीटर को क्या लिखा जाएगा, 3080 लिखा जाएगा, ना कि उसने क्या लिखा, 380 लिखा है, गलत है, पूरी तरह से गलत है। यानी कि यही आपको फाइंड करना है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम नीचे की ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए थर्ड तो चेक नहीं करेंगे, जैसे कि हमने बताया ये हम अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। फोर्थ चेक कर लेते हैं, 3 घंटे 14 मिनट इक्वल टू 194 मिनट। ये चैप्टर भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, आवर मिनट का। देखिए 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 60 × 3 यानी कि 180 मिनट, और 180 मिनट और 14 मिनट जोड़ दीजिए कितना आ गया, 194। ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत वैसे भी निकल आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए नया टाइप का क्वेश्चन। ये तो हो गए यूनिट वाले क्वेश्चन, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, सब आ गया। ठीक है, तो अच्छा था, इसीलिए आज का चैप्टर अच्छा है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। पहली बात तो पहली लाइन खेल गया, इस बार क्या बताना है, कौन सा सही है। अभी तक बोला था कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, हमने शुरुआत में बताया। अब नीचे बताते हैं, यानी कि यहां पर क्या होंगे, 3 ऑप्शन गलत होंगे, सिर्फ एक ही सही होगा। ठीक है, तो आसान होता है ये वाला करना। चलिए एक एक तरफ से करते हैं। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, तो आप रैंडमली कुछ ही मान सकते हैं। एक सम संख्या मान लिया 6 हो गया, सम संख्या है, और एक विषम संख्या इससे बड़ी, क्योंकि अंतर निकालना है तो बड़ी मान लेते, मान लिया 15 हो गया। ठीक है, 15 में से 6 घटाइए कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इसमें क्या बोला है, एक सम संख्या हो सकता है, क्या 9 एक सम संख्या नहीं, इसका मतलब यही क्या है आपका, गलत हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना था, और यही चीज पहले ही ऑप्शन में मिल गया, कौन सा कथन सही नहीं है, यही वाला, कौन सा कथन सही है सॉरी, तो ये तो गलत हो गया, यानी 3 गलत मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, 3 गलत होंगे यहाँ पर। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योगफल एक सम संख्या, 2 विषम संख्या मान लीजिए, 1 3 मान लिया, 1 5 मान लिया, और क्या 1 सम संख्या मानना, 8 मान लिया चलिए, का योगफल एक सम संख्या, जोड़िए 5 3 8 8 8 16 16 16 क्या एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, और यही हमको बताना था कौन सा सही है। लेकिन हम नीचे भी चेक करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, 3 विषम संख्या लिखिए, मान लिया 3 5 7 3 विषम संख्या हो गया, और तीनों को जोड़िए 7 5 12 3 15 15 आ गई, क्या बोला एक सम संख्या है, क्या ये सम संख्या ना, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 पे आइए, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, फिर से यही मान लीजिए 3 5 7 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, करिए गुणा 5 3 15 और 15 5 15 15 5 75 15 105 आ जाएगा, 15 7 105, क्या ये एक विषम संख्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या नहीं है, ये क्या है, विषम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका पूरी तरह सही होता, पहले सही हो गया, तो ये आपको सिखाने के लिए हमने नहीं। देखिए आपको करना क्या होता है, इस तरह सम विषम वालों में रैंडम कुछ ही मान लीजिए, यह सबसे छोटी इस वजह से हमने माना 3 5 7, एक भी होती है विषम संख्या, बट एक से कई बार निष्कर्ष नहीं निकल पाता चीजों का, तो 3 5 7 मान लिया करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल छोटी छोटी संख्या, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मिला, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और सेम पुछला वाला, क्या क्या चीजें हैं भाई, 2009 मिलीलीटर इक्वल टू 2 लीटर 9 मिलीलीटर, तो इधर से करिए 2 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 2000, और इसमें कितना जोड़ा, 9 जोड़ना है, तो क्या हो गया 2009, क्या यही बोला था, बिल्कुल यही बोला था, 2 लीटर 9 मिलीलीटर को 2009 लिखा है, बिल्कुल सही है, हमको बताना सही नहीं है। ठीक है, 25 का शतांश 25/100, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो हल भी नहीं करना, यही तो होता है शतांश का मतलब 100 से भाग देना, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 0.57 बराबर है 0.5700 के, बिल्कुल सही, हमने बोला ना अभी अभी, आप जीरो चाहे जितनी मर्जी लगा ले, 0.57 इक्वल टू 0.5
5720 लगाया, अरे दो नहीं आप 5 लगा लो, ये सब सही, आगे जाए जितने जीरो लगा लो कोई मैटर नहीं करता, हाँ यहाँ पर मत लगा देना बस, यहाँ पर जीरो लगा दिया तो सारा खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा गलत होगा, और ऑप्शन नंबर चौथा जो कि अभी कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको सही नहीं बताना था, 3 सही निकल गए तो ऑप्शन नंबर चौथा ही गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है? जी नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे आज के हमारे लेक्चर में, छोटा ही लेक्चर था, ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव था, हमने सारे ऑप्शन चेक किए, चारों चारों ऑप्शन, सारी यूनिट देख ली हमने, मीटर, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, सारे एक साथ इंक्लूड था, शतांश के बारे में जाना, दशांश के बारे में जाना, और अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेक्चर था आज का, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और हाँ इसकी जो नोट्स हम आपको देंगे, जो क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने आप जरूर से जरूर करिएगा, अगर आप अपने आप क्वेश्चन नहीं लगाते ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर तो हम कर रहे हैं तेजी तेजी क्योंकि रट गया और ये लास्ट क्लास भी आ गई तो हमने स्पीड बढ़ा दी, इस वजह से 3 क्लास बची, अब तो पूरा पूरा खत्म हो गया। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, चीज़ें कैसे चल रही हैं और कितना ईजी है पेपर, ये भी आप समझ रहे होंगे, सीटेट का पेपर 1 बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो बस बेस्ट ऑफ लक है आपको और आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, और पेपर की प्रैक्टिस जरूर करिए जो हम आपको नोट दे रहे हैं, एक बार नहीं करनी, 3 से 4 बार करनी, जैसा कि हमने हर लेक्चर में आपको बोला, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, जय हिंद।